की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। सिवान में 25 जून की रात सिवान नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में राकेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ सिकु श्रीवास्तव की गोली मार दी गई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल थे। गंभीर स्थिति में उन्हें पटना रेफर किया गया है, जहां उन्हें इलाज चल रहा है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ रहा है। सिवान के चर्चित और पूर्व एमएलसी कैंडिडेट, जो एमएलसी के उम्मीदवार थे, रईस खान का नाम सामने आया है। इस मामले में राकेश कुमार सिन्हा उर्फ सिक्कू के भाई ने एक एफआईआर दर्ज कराई है नगर थाने में, जिसमें रईस खान को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जो एफआईआर है रितेश कुमार सिन्हा के द्वारा नगर थाने में दर्ज कराई गई है, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि रईस खान, अर्जुन यादव, दिलसाद साई, आजम साई, कल्लू, राजू उर्फ चाइनीज, ये सभी लोग सिवान शहर के लक्ष्मीपुर के पास जो अर्जुन यादव का आवास है वहाँ पे खड़े थे। ये एफआईआर में ये बातें कही गई है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे पास वो एफआईआर की कॉपी है और उस एफआईआर में ये बातें लिखी गई है कि ये सभी लोग रईस खान, अर्जुन यादव, दिलसाद साई, आजम साई, कल्लू, राजू उर्फ चाइनीज, ये सभी लोग सिसवन ढाला के पास जो लक्ष्मीपुर है वहाँ पर ये खड़े थे। रितेश सिन्हा ने एफआईआर के माध्यम से बताया कि उनका भाई जो राकेश सिन्हा उर्फ सिक्कू है वो किसी बर्थडे पार्टी से आ रहा था, तभी इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें राकेश सिन्हा उर्फ सिक्कू वहां पे गिर गया। उसके बाद रईस खान नज़दीक आए और उन्होंने भी अपने हाथों से गोलियां चलाई। इस एफआईआर में ऐसा दर्ज किया गया है, एफआईआर में ऐसी बातें लिखी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज हो चुका है, रईस खान पे नामजद अभियुक्त बनाया गया है। रईस खान को, रईस खान के साथ अर्जुन यादव जो लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं, दिलसाद साई, आजम साई, कल्लू, राजू उर्फ चाइनीज को अभियुक्त बनाया गया है और ये नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। बता दें कि 25 जून की रात जो प्रॉपर्टी डीलर है और सिवान के सांसद पति जो अजय सिंह हैं, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं राकेश सिन्हा उर्फ सिक्कू, उनको अपराधियों ने गोली मार दी थी। हालांकि किस कारण से ये गोलीबारी हुई है ये अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो अभी की अपडेट है उसके अनुसार रईस खान समेत 3 से 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में रईस खान का क्या कुछ कहना है उनसे भी हमारी बातचीत होगी, लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 25 जून की रात सिवान शहर के लक्ष्मीपुर सिसवन ढाला के समीप पे राकेश सिन्हा उर्फ सिक्कू को अपराधियों ने गोली मार दी। हालांकि इस गोलीबारी में वो बाल बाल बच गए हैं, पटना में उनका इलाज चल रहा है और जो गोली उनके शरीर में फंसी हुई थी 2 गोली उसको भी निकाल लिया गया है। लेकिन इस मामले में ताज़ा अपडेट यही आ रहा है कि उनके भाई जो हैं रितेश कुमार सिन्हा, उनके द्वारा नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर की हम आपको कॉपी दिखा रहे हैं और इस एफआईआर में सीधे तौर पे रईस खान को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। रईस खान के साथ अर्जुन यादव, दिलसाद साई, आजम साई, कल्लू, राजू उर्फ चाइनीज को आरोप गठित किया गया है। हालांकि ये जाँच का विषय है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इस मामले में रईस खान का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें।
डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज सिसवन डाला लक्ष्मीपुर सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।